हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं खाने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है, आप देख सकते हैं मैं कैसे ग्रेट कर रही हूँ। और इसका पानी निचोड़ लेंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं रहने चाहिए इसमें। अब मैंने एक कप बेसन लिया है, उसको लौकी में हम डाल देते हैं। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक चम्मच ग्रीन चिली पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालकर, कटी हुई धनिया की पत्ती भी डालकर, छोटे छोटे प्याज मैंने काट लिए थे उसे भी डाल देंगे हम। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं हाथ से, ठीक है। अगर आपको लगे कि और बेसन का ज़रूरत है तो आप डालकर उसे ऐसे मिला लें और इसके बॉल्स रेडी कर लें। देखिए बॉल्स रेडी हो चुके हैं। तेल मैंने पहले से गरम करने रख दिया था, अब बॉल्स को हम डीप फ्राई करेंगे। एक ही बैच में ज़्यादा बॉल्स ना डालें, नहीं तो इसे तलने में हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़े कम ही बॉल्स डालकर हमें फ्राई करना होगा। उधर हमारे बॉल्स डीप फ्राई हो रहे हैं, इधर मैंने ग्रेवी की तैयारी करना शुरू कर दिया है। इसमें मैंने तेल में छोटी इलायची, बड़ी इलायची और एक इंच दालचीनी के डाल दिए हैं मैंने। जब ये स्प्लटर होने लगे तो हम इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और दो प्याज के पेस्ट मैंने रेडी किए हुए थे उसे भी डाल देंगे। इसे एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा सा पकाएंगे। आप उधर देख रहे हैं हमारे बॉल्स डीप फ्राई एक साइड से हो चुके हैं, अब हम इसे टर्न कर देंगे। बॉल्स को हमें मीडियम फ्लेम पे अच्छे से डीप फ्राई करना होगा, नहीं तो वो मीडियम फ्लेम पे नहीं रखेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मसालों में जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, धनिया पाउडर डालकर हमें अच्छे से मिला लेना है और मसाले को मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना होगा। हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए। आप उधर देख रहे हैं हमारे सेकंड बैच बॉल्स के रेडी हो रहे हैं, मैंने डीप फ्राई के लिए डाल दिया है। मसाले भी हमारे पक रहे हैं अच्छे से। तीन टमाटर का पेस्ट मैंने तैयार किया हुआ था उसे भी डाल देते हैं हम। मसालों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना होगा क्योंकि हमें ग्रेवी बहुत ही अच्छे फ्लेवर में चाहिए। आप देख सकते हैं मसाले बहुत अच्छे से हमारे पक चुके हैं और वो भून भी चुके हैं। अब हम ग्रेवी के कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पानी डाल देते हैं। आपको जैसी थिकनेस ग्रेवी की चाहिए आप उतने पानी डाल दें। अब इसे एक बॉयल आने तक ढक देते हैं। आप इधर देख रहे हैं बॉल्स भी हमारे सारे डीप फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। देखिए एक बॉयल आ चुका है, अब हम बॉल्स को डाल देते हैं। ग्रेवी में पानी हमें उतनी डालनी होगी जितना हमारे सारे बॉल्स अंदर डिप हो जाएं। अगर वो डिप नहीं होंगे तो अच्छे से रेडी नहीं हो पाएंगे और उसमें सारा ग्रेवी अंदर तक नहीं जा पाएगा। 3 से 4 मिनट ढकने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा लौकी का कोफ्ता बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस। हमारे कोफ्ते भी बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी मुझे जैसी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही है। आप देख रहे हैं ये कितना यम्मी लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मैंने धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।